मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। हम कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दो पार्ट में मैं इसके कई क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, आज की क्लास में फिर से इसी पे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, बी रेडी। ओके, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस SCM हैव टू फॉलो, यानी उत्पादन प्रक्रिया में SCM को किस चीज का पालन करना होता है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोडक्शन मेथड या नन ऑफ दीज, यानी कि जो उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रण है वो, उत्पादन डिजाइन, उत्पादन विधि या इनमें से कोई भी नहीं। अब आप सोच के देखो, अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो SCM में अगर प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना जरूरी होगा, प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में जो माल बनना चाहिए था वो खराब हो जाएगा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सारा एफर्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज ऑल्सो इंक्लूड इन, यानी क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है अगर दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या को कम करना किसमें शामिल होगा, अगर हम दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या को कम करना चाहते हैं यानी डिफेक्टिव पीस जो है वो हमारे कम बने इस कोशिश में अगर हम लगना चाहते हैं तो हम किस चीज में शामिल करेंगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो याद रखो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं आया, अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका ऑप्शन होता तो इसका आंसर प्रोडक्शन मैनेजमेंट ही होता, लेकिन इसमें चॉइसेस आपको क्या मिल रही है, फिनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई और ह्यूमन रिसोर्स। तो याद रखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो हैंडलिंग है वो अगर प्रॉपर नहीं होती तो हमारे कई जो यूनिट्स हैं वो खराब हो जाते हैं या वो टूट जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम डिफेक्टिव पीसेस को किस तरह से कम कर सकते हैं, तो हमें किस पर ध्यान देना होगा, तो इन चारों ऑप्शंस में से जहां आपको वित्त प्रबंधन, विपणन प्रबंधन या आपूर्ति प्रबंधन और मानव श्रृंखला प्रबंधन या मानव संसाधन प्रबंधन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हमारा सही आंसर है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर हैंडलिंग वी कैन रिड्यूस द डिफेक्टिव पीसेस। आई बात समझ में, क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके ऑप्शंस को पढ़ना, फिर दिमाग लगाना और फिर चॉइस करना कि इसमें से सही एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो। ठीक है, होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ गया हो। हमें रिड्यूस करना था नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स को, तो इसमें इन ऑप्शंस में जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें हमारा SCM इज द बेस्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑर्डर अफेक्टेड यूनिट्स कैन रिड्यूस डैश ऑफ प्रोडक्शन, क्या मतलब हुआ इसका, ये कहते हैं अगर अपव्यय आदेश में कमी से प्रभावित इकाइयां अगर हम कम कर सकते हैं तो किस वजह से कम कर सकते हैं हमारे, ये कहते हैं अगर हम उत्पादन में प्रयास पे ध्यान दें यानी एफर्ट्स पे ध्यान दें तो हम कर सकते हैं कम, या कॉस्ट पे ध्यान दें तो हम कम कर सकते हैं, डिजाइन पे ध्यान दें या नेचर पे ध्यान दें तो हम कर सकते हैं। अब वापस से क्वेश्चन को समझना, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑर्डर अफेक्टेड यूनिट्स, जो अफेक्टेड यूनिट्स के वेस्टेज ऑर्डर का रिडक्शन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं प्रोडक्शन में, तो याद रखो अगर हमने अपना कॉस्ट का कंट्रोल कर लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर हमने अपना कंट्रोल कर लिया तो हम वेस्टेज ऑर्डर को हम कम कर सकते हैं। वेस्टेज ऑर्डर, प्रोडक्शन की बात आएगी, आप प्रोडक्शन करते समय अगर वेस्ट कम से कम करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही ऐसा हो सकता है कि आप वेस्टेज कम करें, इसमें एफर्ट्स, डिजाइनिंग और नेचर नहीं आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग डेफिनेटली कैन रिड्यूस, अगर हम चीजों को ढंग से हैंडल करें या ढंग से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखें तो हम इससे क्या चीजों की कमी कर सकते हैं, क्या चीज का हमें फायदा मिलेगा, प्रोडक्शन में, वेस्टेज में, मूवमेंट में या डिजाइन में। मालूम है आपको, वेस्टेज में ही कमी मिलेगी अगर हमने प्रॉपर हैंडलिंग करी तो
तो हमारा वेस्ट कम से कम होगा, टूट फूट कम से कम होगी, डिफेक्टिव आइटम्स कम से कम होंगे। तो अगर मटेरियल हैंडलिंग की बात कर रहा है, प्रोडक्ट हैंडलिंग की बात नहीं कर रहा है, फिर से ध्यान देना, आपको ध्यान दिलवा रही हूँ। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है वेस्टेज से डायरेक्ट रिलेटेड है, और अगर ये प्रोडक्शन की हैंडलिंग की बात करता तो वो हमारे डिफेक्टिव आइटम से रिलेटेड होता। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको ये हैंडलिंग और क्या चीज में कमी आएगी वो समझ में आ जाएगा। देखो, हैंडलिंग दोनों टाइम पे करनी पड़ती है, मटेरियल को गोदाम में लाने के समय भी उठाना पड़ता है, और माल जब तैयार हो जाता है तो गोदाम से आगे ले जाने के लिए भी उठाना पड़ता है। जब हम गोदाम में कच्चा माल लाते हैं उसको हम बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग, और जब हम गोदाम में माल तैयार हो गया और आगे उसे सप्लाई देनी है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट हैंडलिंग। हैंडलिंग दोनों में है, लेकिन मटेरियल हैंडलिंग की बात कर रहा है तो वेस्टेज कम होगा, और प्रोडक्ट हैंडलिंग की बात कर रहा है तो डिफेक्टिव पीसेस कम होंगे। क्लियर? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन आता है। SCM ऑलवेज स्ट्राइव फॉर टू गिव डैश टाइम फॉर अ मटेरियल हैंडलिंग। अगर हम बात करें कि SCM जो है हमेशा सामग्री प्रबंधन के लिए किस समय का प्रयास करता है, अधिकतम समय का प्रयास करता है या न्यूनतम समय का प्रयास करता है या मॉडरेट समय का यानी मध्यम समय का प्रयास करता है, या कह नहीं सकते कांट से, ये वाला ऑप्शन इसका होगा। तो ध्यान रखो, SCM की वजह से हम हमेशा हमारे मिनिमम टाइम को मैनेज करते हैं, मिनिमम टाइम को हम सम रखने की कोशिश करते हैं, यानी किसी काम को करने में अगर हमें 4 मिनट लगते हैं तो अच्छी SCM जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी वजह से हम मटेरियल हैंडलिंग में उस 4 मिनट में जो काम हमारा स्टैंडर्ड है 4 मिनट के अंदर अंदर हम करते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 4 मिनट लगने चाहिए थे, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 4 मिनट को मेंटेन करें, ऐसा नहीं हो 6 मिनट से ऊपर जाकर के भी हम काम को या मटेरियल को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो हमारे को ध्यान किस चीज को रखना है, मिनिमम जो टाइम है उसको मेंटेन करना है हमें। मैक्सिमम हमारा टारगेट नहीं होता, मिनिमम होता है। क्लियर? आगे और बढ़ते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लांट्स आर गो हैंड इन हैंड विद ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब हुआ? कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संयंत्र संगठनों के साथ साथ चला करते हैं। किस हिसाब से? ये कहते हैं प्रोडक्शन में, बिजनेस स्ट्रेटेजीज में, फिनेंस में या ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो आप ध्यान दो, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो है संयंत्र संगठनों के साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब है उत्पादन के साथ चलते हैं, व्यापार की रणनीति के साथ चलते हैं, वित्त के साथ चलते हैं, मानव संगठन के साथ चलते हैं। पक्की बात है हमारे जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है उसके साथ हमारा चलता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारी प्लानिंग होती है, हमारी स्ट्रेटेजी होती है, हमारी व्यू रचना होती है, उस हिसाब से हम हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ रन करते हैं। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज इट्स इंटरफेस विद ऑल द, किसके साथ इसका जुड़ाव होता है, किस किस के साथ इसका जुड़ाव होता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का? जरा ध्यान देना, टास्क के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ में, नेचर के साथ में या ड्यूटी के साथ में? डिपार्टमेंट्स के साथ में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में, स्टोर डिपार्टमेंट के साथ में इसका डायरेक्ट जुड़ाव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, वर्किंग एज पर द शेड्यूल आर कीपिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फॉर कस्टमर सर्विसेज एंड इट्स चैलेंजेस फॉर, यानी का मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल के अनुसार काम करना ग्राहक सेवा के लिए किस चीज को चुनौती देता है, समय के महत्व को चुनौती दे रहा है, तो किस चीज को चुनौती दे रहा है, प्रोडक्शन को, SCM को, फिनेंस को या ह्यूमन रिसोर्स को? आज जो समय चल रहा है वो हमारा कहता है अगर हम शेड्यूल के साथ हमारे काम को करते हैं तो कस्टमर की सेवाओं को हम केवल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन आया है हमारे पास, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर द, यानी जो अगर हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, हम एक देश से दूसरे देश में चीजों को भेज रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहाँ पर भेज रहे हैं,
गांवों में, शहरों में, विश्व में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मतलब शहर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पूरे विश्व में अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भेजने की बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नाउअडेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो बिकमिंग फैमिलियर। आजकल के दिनों में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो किसके साथ फैमिलियर हो गया है, यानी परिचित हो गया है, शहरों से, विश्व से, मेट्रोपॉलिटन से या किसी से भी नहीं। तो आप याद रखो, आज हम बैठे हुए अमेरिका से मुझे कोई चीज परचेज करनी है तो आई कैन प्लेस माई ऑर्डर, तो हम विश्व के साथ परिचित हो गए हैं। गांव शहर या बड़े शहर तो छोड़ दो, हम तो पूरे विश्व से कनेक्टेड हो गए हैं। तो आज के जमाने में तो ये कहा जा रहा है कि कॉमर्स हैज नो बाउंड्रीज, वाणिज्य की कोई सीमा ही नहीं रह गई है, अनंत हो गया है, इसकी सीमाएं एक लिमिट से कहीं दूर तक चली गई है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है द अल्टीमेट गोल ऑफ SCM, यानी SCM का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या है। हाई प्रोडक्टिविटी है, कॉस्ट रिडक्शन है, बेटर सर्विसेज है या ऑल ऑफ द अबव। लागत में कमी करना उसका उद्देश्य होता है, बेहतर सेवा देना उसका उद्देश्य होता है, या उच्च गुणवत्ता देना उसका, उत्पादकता देना उसका उद्देश्य होता है, या सभी इसके उद्देश्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऑल ऑफ द अबव इज द अल्टीमेट गोल ऑफ SCM। उच्च उत्पादकता की भी वो बात करेगा, कॉस्ट रिडक्शन की भी वो बात करता है, बेटर सर्विसेज की तो वो बात करेगा ही, क्योंकि ये सर्विसेज, ये प्रोडक्टिविटी और ये उसका कॉस्ट कंट्रोलिंग ही उसको बेहतरीन साबित करता है। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैनी टाइम्स पीपल हैज कंफ्यूज बिटवीन SCM एंड डैश। कई बार लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ साथ किसके साथ कंफ्यूजन रखते हैं, कहाँ पे उनके मन में डाउट क्रिएट होता है, फिनेंस की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मार्केटिंग की वजह से या ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली SCM को हम ट्रांसपोर्टेशन के साथ में मिक्स करते हैं, हम ये समझते हैं जहाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है यानी वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है। कहने को तो हम कह सकते हैं पर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इज द पार्ट ऑफ SCM। SCM में ट्रांसपोर्टेशन एक हिस्सा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा SCM का कंट्रीब्यूट करती है। ठीक बात है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या ऐसी चीज है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है। मटीरियल हैंडलिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। अब ध्यान लगाओ, मैंने अभी अभी आपको ये चीज समझाई थी कि SCM में दोनों ही हैंडलिंग होती है, प्रोडक्ट हैंडलिंग भी होती है, मटेरियल हैंडलिंग भी होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन केवल मटेरियल हैंडलिंग है, उसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है या नन ऑफ दीज है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मटेरियल हैंडलिंग इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर है ये। ठीक है, अब आ जाओ एक अच्छा सा और क्वेश्चन सुनने के लिए तैयार रहे। जीरो इफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझो। जीरो इफेक्ट जो होता है इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में शून्य दोष, बिल्कुल भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा। जीरो डिफेक्ट इसको हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन क्या है। जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है इट इज रेलेवेंट गोल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली। क्या ये केवल बिजली के उसमें ही शामिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ही होता है। एंड इट इज रेडिली अचीवेबल इन ऑल एरियाज। एक्चुअली ये सभी जगह पे आसानी से प्राप्त किया जाने वाला काम है, जीरो डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, या इट इज द गोल ऑफ TQM। TQM क्या आप लोग इस सब टर्म से अवेयर हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है पूर्णतया किस्म प्रबल, गुणवत्ता प्रबल, यूं कहना चाहिए कुल गुणवत्ता प्रबल। इसका मतलब है प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग, उसका एंड यूजर तक के पहुंचने को, उसको क्वालिटी को मेंटेन करना, दैट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये कह रहा है जीरो डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग किससे संबंधित हो सकती है, और चौथा ऑप्शन था इट इज अन
ऑब्टेनेबल एंड मिसलीडिंग आइडियाज, यानी जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते या जिससे हम भ्रमित होते हैं, वो विचार है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका सही आंसर है इट इज कंसर्न विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी TQM का हिस्सा है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, अ डैश इज encompasses all activities associated with the flow and transformation of goods from the raw material stage through to the end user as well as the associated information flows। क्या मतलब हुआ, इसको समझ लो जरा। ये कहता है क्या ऐसी चीज है जो कच्चे माल के चरण से अंत उपयोगकर्ता तक माल के प्रवाह और परिवर्तन से जुड़ी हुई सभी गतिविधियां उसमें शामिल होती हैं, साथ ही इसमें संबंधित सूचना भी शामिल होती है। ऐसी क्या चीज है जो इसमें ये सब शामिल होता है, यानी माल के सामग्री से लेकर उसके निर्माण और निर्माण से लेकर के एंड यूजर तक की सप्लाई के साथ साथ इसमें इंफॉर्मेशन भी अगर जुड़ी हुई है तो वो क्या चीज से संबंधित है। ये काम प्रोडक्शन लाइन से संबंधित है, सप्लाई चेन से संबंधित है, मार्केटिंग चैनल से संबंधित है या वेयर हाउस से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैंने आपको पहले भी कहा सप्लाई चेन दोनों तरफ काम आने वाली चीज है। मटेरियल हैंडलिंग में भी सप्लाई चेन काम आती है और प्रोडक्ट हैंडलिंग में भी काम आती है, और इसने इस चीज को कहा है कि सामग्री प्रबंधन से लेकर के अंतिम उपयोगकर्ता के हाथ तक पहुँचने में साथ साथ सूचनाओं का भी प्रभाव बना रहता है, उसमें क्या चीज शामिल है। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही इसका सही आंसर है, यानी जो हमारी आपूर्ति है वही श्रृंखला प्रबंधन इसका सही आंसर है। आज की क्लास के लिए फिर से इतना ही करेंगे, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी। अभी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के मैं एक क्लास और दूंगी आपको, मैंने लगभग 15 क्वेश्चन हर क्लास में कराए हैं, प्रेजेंटली वी हैव कंप्लीटेड 45 क्वेश्चंस। अगली क्लास में जब 60 क्वेश्चन करवा दूंगी उसके बाद मैं टॉपिक चेंज करूंगी, ठीक बात है। तो आपको जो ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी SCM इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस पे आपको मैं लगभग 60 क्वेश्चन करा दूंगी। ऐसे ही आगे के टॉपिक्स पे भी मैं 50-60 क्वेश्चन करवा दूंगी, तो इससे आपका एक काफ़ी अच्छा बेस तैयार हो जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड करने में सहायता मिलेगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलर।